गाइस क्या होगा अगर हम स्पॉन हो ऐसे डेजर्ट बायो में जहाँ पर ना कोई ट्री हो और ना कोई सीप, तो वेल गाइस और वहाँ पर हमें सर्वाइव करने हो 100 डेज, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है, तो वीडियो का लास्ट तक का जरूर देखना। होते हैं हमारी डेपन से और हम एक रिजॉर्ट में होते हैं और गाइस पास ही में होता है एक लावा पूल। तो गाइस मैं यहाँ पर डर के मारे नहीं जाता हूँ और मैं गाइस यहाँ से ढूंढने लगता हूँ बहुत सारी गाइस स्टिक्स और गाइस कुछ कैक्टस। तो मैं यहाँ से कैक्टस और स्टिक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो स्टार्ट कलेक्ट करते करते मुझे एक दिख जाता है वहाँ पर एक डेजर्ट टेम्पल, तो मैं वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देता हूँ। और डेजर्ट में डिगिंग मैं स्टार्ट कर देता हूँ और डिगिंग स्टार्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ बॉटम पर और वहाँ से मैं गाइस मुझे मिल, सबसे पहले तो मैं गाइस यहाँ पर प्रेशर प्लेट को तोड़ता हूँ, फिर मुझे गाइस चेस्ट को खोलता हूँ जहाँ से मुझे एमरल्स कुछ गन पाउडर बहुत सारे बोन्स बहुत चीज़ें मिल जाती हैं और फिर उसके साथ मुझे आयरन इंगट भी मिल जाता है। तभी मुझे दिख जाता है एक ऐसा ब्लेज जहाँ पर बहुत सारे हाउस बने होते हैं और गाइस उसी के साथ मुझे वहाँ पर एक कैब मिल जाती है। बट मैं पहले कैब में नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे पहले सर्वाइव करना होता है, तो इसीलिए मैं कुछ गर्ल्स को और कुछ लूटिंग वूटिंग को करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत सारे हील्स भी मिल जाता है, फिलहाल मैं उसे अभी नहीं एक्यूपाई करता हूँ और मैं सबसे पहले तो अपना रिस्पॉन टाइम सेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बाद में ज़रूरत ना पड़े। और मैं गाइस एक क्राफ्टिंग टेबल को ऑक्यूपाई कर लेता हूँ और एक और लगे हाथ में यूज़ कर लेता हूँ एक टॉर्च को, ताकि मुझे कभी ज़रूरत पड़े डार्क एरिया में जाने की और तब मैं उसे लगे हाथ यूज़ भी कर सकूँ। तभी मैं अपने नेक्स्ट डे को क्राफ्टिंग टेबल को रख देता हूँ और वहाँ से मैं कुछ पिकैक्स बना लेता हूँ और कुछ होए भी बना लेता हूँ ताकि मैं अपनी डकैती को स्टार्ट कर सकूँ। और लगे हाथ मुझे बहुत सारा नेसेसरी सामान मुझे मिल जाता है और मैं गाइस मुझे कुछ चेस्ट में मिलती हैं जहाँ से मैं गाइस बहुत सारा ब्रेड कुछ चीज़ें मैं यहाँ से ऑक्यूपाई कर लेता हूँ। और कुछ विलेजर जहाँ पर फार्मिंग कर रहे थे मैं उनके फूड्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोबारा मुझे एक चेस्ट मिल जाती है जहाँ से मुझे कुछ बीड्स और एमरल्ड और कुछ क्ले बॉल मिल जाते हैं। और गाइस मेरे मन में आता है अपने घर बनाने की, तो मैं दूसरे घर को तोड़ना स्टार्ट करता हूँ और बीड्स कलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे फूड की कमी ना पड़े। और मुझे एक चेस्ट में बहुत सारा ब्रेड और कैक्टस और वीट मिल जाता है। देन आफ्टर मैं एबल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ और बहुत सारा बहुत लार्ज क्वांटिटी में से मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तभी मुझे दिखते हैं दो फर्नेस और मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। और वहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिलती है जहाँ से मुझे कुछ ओक सैपलिंग भी मिल जाता है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि तब मैं इस डेजर्ट एरिया में एक कुछ ट्रीज़ को स्पॉन कर सकूँ। फिर आ जाता है डेथर्ड और मैं डेथर्ड को कुछ सैंड को कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपना एक सैंड का घर बनाना होता है, इसलिए मैं बहुत सारे सैंड स्टोन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। उसी के साथ मैं टेरा कोटा भी कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा और डोर्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं फिलहाल मैं अपना फूड खा के अपनी एनर्जी को बढ़ाता हूँ। तभी आ जाता है डे फोर्थ और मैं गाइस यहाँ से सैंड स्टोन को एक अपने ग्लास में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं गाइस अपना एक होम बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं अपनी बाउंड्री कंप्लीट करता हूँ और देन आफ्टर मैं स्टेयर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल कुछ ही टाइम बाद मेरे स्टेयर्स लग जाती हैं ऑलमोस्ट और डे 7 को मेरा ये पूरा होम कम्प्लीट हो जाता है। और मैं अपने हाउस में कुछ ग्लास भी लगा लेता हूँ जिससे मेरी रौनक बढ़ जाए घर की। देन उसी दिन मेरे दिमाग में एक आता है कि मैं ना एक फार्मिंग स्टार्ट करूं और मैं यहाँ से फार्मिंग के लिए कुछ क्ले और गाइस हाँ मैं डर्ट को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूं और मैं गाइस एक बकेट बनाता हूं जिससे मैं गाइस वाटर को कलेक्ट कर पाऊं और मैं बहुत सारे डर्ट भी कलेक्ट करता हूं। और फार्मिंग के लिए मुझे कुछ सैंड्स की ज़रूरत होती तो मैं सैंड को कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। फिर उसी के साथ मेरे साथ एक होता है एक इंसिडेंट जहाँ से मैं बार बार बचता हूँ। गाइस देख सकते हो पूरी गाइस सैंड नीचे जा चुकी थी और मैं गाइस इससे मुझे भी कुछ डैमेज या फिर मैं गाइस स्किल हो सकता था। और मैं गाइस अपनी फार्मिंग को स्टार्ट फिर से बनाना स्टार्ट करता हूँ, अपने फार्म हाउस को फील्ड को बनाना स्टार्ट करता हूँ, छोटा सा फील्ड बनाऊँगा जिससे गाइस मैं थोड़ी सी अपनी वीड्स को कलेक्ट कर पाऊँ जिससे गाइस मुझे मैं अपने एनिमल्स को और अपने आप को हेल्दी रख सकूँ। फिर मैं अपने हुए से अपनी सेम फील्ड को क्लियर करता हूँ। फिर मैं गाइस वहाँ पर अपने सीड्स को लगाना स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं कुछ ही पल में बहुत सारे सीड्स लगा लेता हूँ और तब तक हो जाती है शाम। तो गाइस यहाँ से डे 7 हमारा हो जाता है कंप्लीट। और डे 8 को मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ प्लांट्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो भी गाइस मेरे दिमाग में आता है क्यों ना एक राइट साइड में एक मेरे पास बहुत सारे सैम्पलिंग भी थे, तो मैं क्यों ना गाइस यहाँ पर सैम्पलिंग्स भी स्टार्ट कर दूँ कलेक्ट करना, क्योंकि गाइस उससे मुझे गाइस मैं बहुत सारा मैं वुड्स को मैं कलेक्ट कर पाऊंगा और गाइस मुझे कुछ स्टिक्स भी मिल जाएंगी। तो गाइस उसका भी फील्ड में बनाना स्टार्ट करता हूँ।
और गाइस मैं यहाँ से बॉटल को भी कलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर गाइस मैं होए की हेल्प से गाइस मैं यहाँ पर सैपलिंग्स को लगा देता हूँ। फिर गाइस नेक्स्ट डे मैं गाइस डे 9 से निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत थी, लाइक आयरन, कोल, और गाइस मुझे लैपिस लजूली और डायमंड की भी जरूरत थी और गोल्ड्स की भी। तो मैं गाइस एक मुझे बहुत दूर पर केव मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो गाइस जहाँ से मुझे कोल दिखना स्टार्ट हो जाता है और मैं कोल को करने लगता हूँ कलेक्ट। कोल के साथ साथ मुझे मिल जाता है कुछ पीस ऑफ आयरन और गाइस मुझे आयरन कुछ कम क्वांटिटी में नहीं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना स्टार्ट हो जाता है। गाइस मुझे लगता था इनडेफिनाइट ये यहाँ पर कोल और आयरन है, और गाइस बहुत ज़्यादा आयरन था यहाँ पर, गाइस लिटरली सच बता रहा हूँ। तभी गाइस मुझे यहाँ पर बुट्स भी मिल जाते हैं, बुट्स प्लैंक्स, तो मैं इनको भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तभी गाइस मुझे मिल जाता है यहाँ पर गोल्ड, तो गोल्ड तो गाइस आई एम प्रेटी हैप्पी कि यार मुझे गोल्ड मिल चुका था। तभी गाइस मुझे कुछ टाइम बाद लैपिस लजूली भी मिल जाता है, तो मैं लैपिस लजूली को कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस मुझे आयरन भी मिल जाता है, मैं आयरन को भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर गाइस मुझे कुछ टाइम बाद यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाता है रेड स्टोन, जिससे गाइस मुझे अपनी कुछ पिस्टन्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ रेड स्टोन के थ्रू। तो गाइस जहाँ से पहले मुझे रेड स्टोन मिल जाता है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट। बहुत सारा ढेर सारा मुझे रेड स्टोन मिलता है। और यहाँ से मैं ढेर सारा गाइस यहाँ से रेड स्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे रेड स्टोन मिल चुका था, तो यहाँ पर मुझे एक दो तीन बार बहुत ज़्यादा रेड स्टोन मिल गया, तो मुझे गाइस साइड में एक लैपिस लजूली का भी एक ड्रॉप मिल गया था। तभी स्टार्टिंग हो जाती है डे 14 की, क्योंकि इस माइन के बिल्कुल पास में एक विलेज था जहाँ से मैं गाइस बहुत सारे डकैती को स्टार्ट कर देता हूँ। और क्या, यही काम था मेरा। तभी बहुत सारी डकैती करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत दूर था। तो गाइस मैं 14 डे को बिल्कुल स्टार्टिंग से चलता हूँ सुबह सुबह, और गाइस शाम तक मैं कैसे ना कैसे करके पहुँच ही जाता हूँ। और मैं देखता हूँ कि गाइस मेरे जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं, सीड्स भी ऑलमोस्ट ग्रो हो चुके हैं। तभी गाइस मेरा एक घर में विलेजर सोता होता है, मैं उसे हटा के खुश हो जाता हूँ। और गाइस नेक्स्ट डे 15 डे को मैं गाइस यहाँ से कुछ क्ले को वो क्लो नहीं हो गाइस सैंड को कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, और गाइस सैंड स्टोन को भी। तभी गाइस मेरा एक थोड़ा सा हिट गोलम को पड़ जाता हूँ और मैं खत्म। और गाइस अगर आपको आज की वीडियो लगी हो अमेजिंग, तो इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।